हाय एवरीवन, तो आज हम डिस्कस करेंगे बैकवॉश इफेक्ट क्या होता है और उसके साथ हम देखेंगे सेपरेट इफेक्ट क्या होता है। बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स का, जिसको कि एक स्वीडिश इकोनॉमिस्ट गुना मिरेडल ने दिया था 1956 में। तो आज इन दोनों टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस स्लाइड में सबसे पहले तो हम डेफिनेशंस देखेंगे कि आखिरकार बैकवॉश इफेक्ट की क्या डेफिनेशन है और गुनर मिरेडल ने इसके बारे में क्या क्या बातें की हैं। तो इनका कहना था कि बैकवॉश इफेक्ट क्या होता है। इनका कहना था कि जब कभी भी मूवमेंट ऑफ वेल्थ, ठीक है, अब ये वेल्थ जो है ये ह्यूमन कैपिटल भी हो सकती है और ये जस्ट कैपिटल भी हो सकती है, ठीक है। तो जब कभी भी आपको मूवमेंट ऑफ वेल्थ देखने को मिले फ्रॉम द पुअर रीजन टू द रिच रीजन, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बैकवॉश इफेक्ट। ऐसा कहना है गुनर मिरेडल का, ठीक है। तो ये जो बैकवॉश इफेक्ट है ये होता क्यों है, आखिरकार जो लोग हैं ये पुअर रीजन से रिच रीजन में जाना पसंद क्यों करते हैं, ठीक है। ये इसलिए जाना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे इनको बेटर फैसिलिटीज़ मिलती हैं, बेटर फैसिलिटीज़ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद इन्हें नए नए तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, ऑफकोर्स जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन्हें यहाँ पर मिलती है। दैट्स वाई क्या होता है कि जो पुअर रीजन के जो लोग हैं वो रिच रीजन में जाना पसंद करते हैं, ठीक है। और ये जब कभी भी आपको फ्लो देखने को मिलेगा फ्रॉम द पुअर रीजन टू रिच रीजन, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बैकवॉश इफेक्ट। तो 1956 में गुनर मिरेडल का कहना था कि ये जो रीजनल डिफरेंसेस जो होते हैं, ठीक है, रीजनल डिफरेंसेस का मतलब होता है कि आपका एक एरिया जो है वो काफ़ी डेवलप है, एक एरिया आपका डेवलप नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स कि आपको यहाँ पे डिफरेंसेस मिलते हैं टू रीजन्स के बीच में, ठीक है। तो इनका कहना था कि ये जो रीजनल डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं ये कुछ सरप्राइज नहीं है, ठीक है, ये एक नेचुरल आउटकम है। ये नेचुरल आउटकम किसका है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। दैट मींस इनका कहना था कि जब कभी भी एक एरिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो जो दूसरा एरिया जो होगा उसका इतने बड़े लेवल पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा। दैट मींस कि कोई भी रीजन उसमें ही ग्रो करेगा, कोई भी रीजन उसमें ही ग्रो करेगा जब दूसरा जो आपका एरिया है उसको एक्सप्लोइट किया जा सके। दैट मीन्स कि नो वन रीजन कैन प्रोस्पर ही सेड विदाउट एडवर्सली अफेक्टिंग द प्रोस्पेरिटी ऑफ अदर, ठीक है। सो आई होप कि ये टर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगी। देखिए इनका क्या कहना था कि कोई भी रीजन वो ग्रो कब करता है, वो तभी ग्रो करता है जब उसके पास ऑलरेडी, ठीक है, नेचुरली उसके पास कुछ एडवांटेजेस हो, ठीक है, जैसे जैसे कि उसके पास सोर्सेस ऑफ फ्यूल होने चाहिए, ठीक है, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये उन्होंने परिभाषा इसकी दी कि कोई भी रीजन जो है वो कैसे ग्रो करेगा, वो तभी ग्रो करेगा जब उसके पास नेचुरली कुछ वहाँ पे एडवांटेजेस उसको मिले, ठीक है। तो ये तो कुछ इफेक्ट्स थी बैकवॉश इफेक्ट के बारे में जो कि गुनर मिरेडल ने कहा था। अब चलिए इसे लेमैन लैंग्वेज में समझते हैं कि आखिरकार इसके क्या मीनिंग होते हैं। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है। नेशनल कैपिटल रीजन क्या होता है, यूनियन टेरिटरी है हमारा दिल्ली, और दिल्ली के आसपास के ये जितने भी इलाके हैं ये उत्तर प्रदेश के कुछ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, देन आपको कुछ राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे, फिर आपको हरियाणा के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो ये जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं जो कि दिल्ली के आसपास के हैं, तो ये जो सारा एरिया आप देख रहे हो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि बैकवॉश इफेक्ट क्या होता है। अब क्योंकि दिल्ली जो है दिल्ली के अंदर, दिल्ली का एक डिस्ट्रिक्ट है न्यू दिल्ली जो कि इंडियन कैपिटल भी है, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत ही बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया गया है, ठीक है, क्योंकि एक तो नेशनल कैपिटल भी दिल्ली के अंदर ही है, ठीक है। तो इसके चलते है क्या कि बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया गया है, यहाँ पे बहुत सी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे हैं, ठीक है, और भी यहाँ पे बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसके चलते क्या है कि कंट्री के अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ पे आना पसंद करते हैं जॉब्स के लिए, ठीक है। तो इस यहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, ठीक है, और यहाँ पे और भी बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जिसके प्रति लोग जो है आकर्षित होते हैं और लोग यहाँ पे आना पसंद करते हैं, ठीक है। अब इसके चलते होता क्या, देखिए उत्तर प्रदेश से लोग भी यहाँ पे आना पसंद करते हैं, बिहार से लोग यहाँ पे आना पसंद करते हैं, वेस्ट ऑफ बंगाल से आना पसंद करते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है वहाँ से लोग आना पसंद करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये सेंट्रल इंडियन स्टेट जो है यहाँ से भी लोग यहाँ पे आना पसंद करते हैं दिल्ली में, और जो आपका साउथ इंडियन स्टेट्स है वहाँ से भी लोग यहाँ पे आना पसंद करते हैं। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो पंजाब से भी लोग यहाँ पे आना पसंद करते हैं, और ओवरऑल अगर हम बात करें तो पूरे इंडिया से जो लोग हैं यहाँ पे आना पसंद करते हैं, ठीक है। तो जब कभी भी एक रीजन, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे इसको नेचुरल
बेनिफिट्स यहाँ पे मिले हुए हैं। तो इसके चलते होता क्या है, पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया से लोग जो है यहाँ पे आना यहाँ पे पसंद करते हैं काम करने के लिए या फिर स्टडी करने के लिए। तो इसके चलते होता क्या है, ये जो एरिया है जो कि ऑलरेडी डेवलप है, ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हो आप बैकवॉश इफेक्ट, ठीक है। अब इसको आप बैकवॉश इफेक्ट कहते हो। अब देखिए इसके चलते होगा क्या, अब इसके परिणाम आपको क्या देखने को मिलेंगे, अगर ऐसा होता है दैट मीन्स कि अलग अलग पार्ट से जो लोग हैं एक पर्टिकुलर एरिया में जाना जब पसंद करेंगे तो वो जो एरिया है वो पूरा का पूरा तबाह हो जाएगा, ठीक है, वो नष्ट हो जाएगा, उसकी जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा। उसकी डेवलपमेंट क्यों रुक जाएगा, क्योंकि ब्रेन ड्रेन देखने को मिलेगा। दैट मीन्स कि जितने भी वहाँ के जो आपके काबिल जो लोग थे, ठीक है, वो अब क्या कर रहे हैं, उस स्टेट को छोड़ के दूसरे पर्टिकुलर एरिया में जाना अब पसंद कर रहे हैं, ठीक है। इसके चलते होगा क्या, जिस एरिया से लोग जो कि पूरे रीजन है वहाँ से फ्लो करके दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, हम यहाँ पे अगर एग्जांपल ले दिल्ली की, तो दिल्ली में जो लोग जा रहे हैं अपने स्टेट छोड़ के, तो जो स्टेट उन्होंने छोड़ा हुआ है वहाँ पे आपको बहुत ही एडवर्स इफेक्ट इसको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स मैंने लिखे हुए हैं, आप वीडियो पॉज करके देख लेना। अब हम देखते हैं कि सेपरेट इफेक्ट क्या होता है। तो सेपरेट इफेक्ट जो है ये बिल्कुल ऑपोजिट है किसके, बैकवॉश इफेक्ट के, ठीक है। इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है कि डेवलपमेंट इन वन रीजन, ठीक है, डेवलपमेंट इन वन रीजन सेपरेट टू इट्स सबर्ब्स एंड ऑल द एडजॉइनिंग एरियाज, ठीक है। तो अब इसको भी चलिए हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या मीनिंग होते हैं। अब देखिए हमने देखा था बैकवॉश इफेक्ट में कि दिल्ली की तरफ पूरे इंडिया से जो लोग हैं आना पसंद करते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बैकवॉश इफेक्ट, ठीक है। अब इसका जो है आपको बहुत ही एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है उन स्टेट्स पे जहाँ से लोग आना यहाँ पे पसंद करते हैं, राइट। दूसरी तरफ इसका ओपोजिट है सेपरेट इफेक्ट। सेपरेट का क्या मतलब होता है, फैल जाना, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बात आप नोटिस करोगे कि जब बहुत ही बड़े लेवल पे अगर पॉपुलेशन आती है दिल्ली में, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन हो जाएगी दिल्ली में, ठीक है। तो अब जो इनके रिसोर्सेस हैं ये कम पड़ेंगे इनकी डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए, ठीक है, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर कम पड़ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए दिल्ली के लिए फिर ये पॉसिबल नहीं होगा कि इतने बड़े लेवल पे लोगों को जॉब प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है, और अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज़ इन्हें प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। तो इसके चलते अब होगा क्या कि दिल्ली के आसपास के जो एरिया है, ठीक है, दिल्ली के जो आसपास के एरिया है, जैसे कि आपको उत्तर प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसे गाज़ियाबाद हो गया, नोएडा हो गया, ठीक उसी तरीके से आपको राजस्थान के कुछ एरिया देखने को मिलेंगे, जैसे अलवर हो गया, मेवाट हो गया, और ठीक इसी तरीके से आपको हरियाणा के आपको डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि गुड़गांव हो गया, रोहतक हो गया। तो ये जो एरियाज़ हैं इनको बेनिफिट्स देखने को मिलेगा। अगर दिल्ली बहुत ज़्यादा ग्रो करता है तो इसका बेनिफिट किनको देखने को मिलेगा, ये जो एनसीआर के रीजन है इनको बेनिफिट क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि अब दिल्ली में पॉपुलेशन बहुत बड़े लेवल पर बढ़ गई है, लोगों को उस बड़े लेवल पर फैसिलिटीज़ या फिर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना अब दिल्ली के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसके चलते क्या होगा कि दिल्ली के आसपास के जो एरिया है उसमें अब ये सेपरेट हो जाएगा डेवलपमेंट, ठीक है। लोग अब क्या करेंगे, इस इन्वेस्टमेंट पसंद करेंगे इन एनसीआर रीजन्स में करना, ठीक है। तो इसके चलते होगा क्या, दिल्ली तो ग्रो हुआ ही लेकिन इसके साथ के जो ये एरियाज है ये भी ग्रो होंगे, ठीक है। सो आई होप कि इन दोनों टर्म्स के बीच में क्या डिफरेंस है मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद।